ऐसा लगता है कि रिलीज के पहले ही अल्लू अर्जुन ने बीट कर दिया है शाहरुख खान और सलमान खान को। जी हाँ भाई, साउथ एक्टर्स का ही दबदबा है हर तरफ और साउथ एक्टर्स के ही चर्चे हैं। इस बीच चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 हैज ऑलरेडी बीटन शाहरुख खान पठान एंड सलमान खान टाइगर 3। जी हाँ, मोस्ट अवेटेड फिल्म बन गई है शाहरुख सलमान को पछाड़ कर पुष्पा 2। चलिए आपको डिटेल बताते हैं कैसे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का रन काफी अच्छा था। जी हाँ, हिंदी वर्जन, सिर्फ हिंदी वर्जन नहीं, तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। तो आप सोच लीजिए कि इस फिल्म ने फिर पूरी दुनिया में कितना कमाया होगा अलग अलग भाषाओं में। ऐसे में पुष्पा के फर्स्ट पार्ट को रिलीज किया गया था 2021 के एंड में। डिस्पाइट कोविड इस फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस गार्नर किया। 83 को कॉम्पिटिशन दिया, स्पाइडरमैन नो वे होम को कॉम्पिटिशन दिया और कई सारी और फिल्म को इसने पछाड़ दिया। कमर्शियली सबसे सक्सेसफुल फिल्म बनी। लेकिन अब इस फिल्म के चक्कर में है सलमान खान और शाहरुख खान। जी हाँ, सलमान खान की टाइगर 3 और शाहरुख खान की पठान 2023 में रिलीज होने वाली है और ऐसे में पुष्पा भी 2023 में रिलीज होने वाली है। इस बीच फैंस के साथ एक सर्वे किया गया, उनसे पूछा गया कि इन तीनों फिल्मों में से आप किस फिल्म को सबसे ज्यादा देखना चाहेंगे। और मैक्स ने एक लिस्ट पब्लिश की और इस लिस्ट में हिंदी फिल्म्स की रिलीजिंग कैटेगरी में सबसे ज्यादा अगर किसी फिल्म को बज मिला, सबसे ज्यादा लोगों ने अगर किसी फिल्म को चूज किया तो वो थी पुष्पा। जी हाँ, यानी कि पुष्पा 2 ने पछाड़ दिया क्लियरली टाइगर 3 और पठान को। अब आपकी इस बारे में क्या है राय, बताइएगा जरूर हमें कॉमेंट सेक्शन में। The intention and what you're doing the film for. Right. Are you doing it for the money? Are you doing it for the release? Right. Or are you doing it for the audience? The intention is above all. Right. Unfortunately, sir, because of the unfortunate circumstances, this took a lot of time, you know. Absolutely. Bahut waqt lag gaya. What do you have to say on that, sir? You know, it's a very difficult film to shoot. We were shooting this film in a forest and we were a crew of almost 500 people. And the logistics to provide 500 people food, accommodation, sanitation, all this was very, very difficult in a remote forest area. Right. So it is a very difficult to film to shoot, especially during the COVID times with so many COVID restrictions. Mm-hmm. I think I would always, I said it earlier also, this one Pushpa film was equal to 4 films effort. Right.